दोस्तों नमस्कार। आज कल रात सुबह ऐलान, कल रात शाम को ऐलान हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का कि मैं सोशल मीडिया छोड़ के जाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा बचकाना हरकत थी ऐसे व्यक्ति की जिसको सोशल मीडिया पे कोई भाव नहीं मिल रहा हो, जो परेशान हो गया हो राहुल गांधी की पब्लिसिटी से। जितने आरटी राहुल गांधी के ट्विटर पर आ जाते हैं उसे शायद परेशान हो गए होंगे मोदी जी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता ही इनके ट्वीट्स को रिट्वीट नहीं करते और कहीं राहुल गांधी बाजी मार ले जाते हैं। इसीलिए गुस्से में बोल दिया मैं छोड़ दूंगा सोशल मीडिया। यार यही तो हम सब लोग करते हैं जब फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो। अच्छा बताओ करते कि नहीं करते सोशल मीडिया पे? हम करते ही नहीं करते। जब हमारे फेसबुक पे कुछ लाइक्स नहीं आते या ट्विटर पे लाइक्स नहीं आते तो हम ऐसी हरकतें करते हैं कुछ के दोस्त हमें थोड़ा सा ध्यान दें। मैं जा रहा हूँ, वही जा रहा हूँ। अबे तो मुझे क्यों बता रहा है? मुझे क्यों बता रहा है? आप दिमाग खराब हो गया यार मेरा। साले के ऐसा दूंगा ये घुमा के, ऐसे दूंगा। अबे जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया छोड़ने का जब ऐलान हुआ एकदम से न्यूज़ें आने लगी। अंजना कश्यप, जो भी मीडिया हो, वो एकदम से छा गया मोदी जी अब सोशल मीडिया छोड़ देंगे। लेकिन अब शाम तक खबरें आने लगी कि मोदी जी सोशल मीडिया छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मोदी जी सोशल मीडिया पर बने रहेंगे। किस लिए? क्या जवाब देंगे सोशल मीडिया पर मोदी जी बेरोजगारी पर? क्या उन सवालों का जवाब देंगे मोदी जी सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर पर? दिल्ली की मौतों का एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। क्या सोशल मीडिया पर मोदी जी जवाब देंगे उन महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का जो यूपी में हुआ? किसानों का जवाब देंगे जिनकी जमीनें योगी जी ने कब्जा ली, उस पर जवाब देंगे? क्या कोई ट्वीट आएगा? या ट्वीट आएगा विनय शर्मा जो एक बलात्कारी है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने चलाना शुरू कर दिया है कि विनय शर्मा को फांसी मत दो कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। वाह कमाल की चीज है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा किसी ब्राह्मण को किसी का बलात्कार करने के लिए निर्भया का। यह भाषा मैंने असभ्य बोली, यह भाषा मुझे नहीं बोलनी चाहिए, माफी मांगता हूं। लेकिन आवेश में कोई ऐसा बोल सकता है आपसे? मोदी जी कहां कहां छुपोगे, कहां कहां रहोगे, किस कंदराओं में रहोगे, किस हिमालय में रहोगे? आपकी पूरी पोल खुलनी शुरू हो गई है। पोल तो आपकी हम आगे खोलने वाले हैं और एक ऐसी पोल खोलने वाले हैं इतिहास से हिंदुस्तान को सिखाने वाले हैं कि कैसे इतिहास जो रूस का था वो हिंदुस्तान में दोहराया जाने वाला है। चलिए मोदी जी सोशल मीडिया पे वापसी मुबारक हो। कम से कम राहुल गांधी की आपने सलाह मान ली जिन्होंने आपको सलाह दी थी कि सोशल मीडिया मत छोड़िए, नफरतें छोड़ दीजिए। आशा करते हैं कि आपने नफरतें छोड़ दी होंगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।